देव हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि थे। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ था। यह देवसरिया ब्राह्मण थे। इन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है, द्योसरिया कवि देव को नगर इटावा वास। इन्हें अपने जीवन काल में आश्रय के लिए अनेक आश्रयदाताओं के पास भटकना पड़ा था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी ये कुछ समय के लिए रहे थे, पर इन्हें जितना संतोष और सुख भोगीलाल नामक आश्रयदाता से प्राप्त हुआ था, उतना किसी और से नहीं मिल सका। इनका देहांत सन 1767 में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो देव के द्वारा रचित ग्रंथों की निश्चित संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। कुछ विद्वानों ने इनके ग्रंथों की संख्या 52 मानी है तो किसी ने 72 स्वीकार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी संख्या 25 मानी है। इनके ग्रंथों की संख्या की अनिश्चितता का कारण यह है कि वे अपनी पुरानी रचनाओं में ही थोड़ा बहुत हेर फेर करके नया ग्रंथ तैयार कर देते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, रसविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, अष्टायाम, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, देवचरित्र, देव माया प्रपंच, शिवाष्टक, शब्द रसायन, देवशतक, प्रेम चंद्रिका आदि। देव की कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार ही था। इन्होंने प्रायः राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगारिक भावनाओं को प्रकट किया है। इन्हें संयोग श्रृंगार की रचना करनी अधिक अच्छी लगी है। वियोग श्रृंगार में इन्होंने विभिन्न भाव दशाओं का वर्णन किया है। देव ने वैराग्य और भक्ति भावना का सुंदर वर्णन किया है। ये शरीर और शारीरिक क्रियाओं को माया का बंधन मानते हैं। इस संसार में कोई भी मौत से बच नहीं सकता, इसलिए इसकी क्षणभंगुरता देखकर इनके हृदय में इसके प्रति गलानी उत्पन्न होती है। देव ने आचार्य कर्म को पूरा किया था और शब्द रसायन के द्वारा काव्य की विभिन्न विशेषताओं का चित्रण किया था। इनके काव्य में दार्शनिकता के दर्शन बार बार होते हैं। ये ब्रह्म और एक और सर्वव्यापक मानते हैं। उसका ना तो प्रारंभ है और न ही अंत। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। वह अनंत, नित्य, सत्य और शाश्वत है। उसका वर्णन तो वेद भी नहीं कर पाते। मैं अपने ही गुण बंधे माया को उपजाई, जो मकरी अपने गुणनी उर्जी उर्जी मुरझाई। देव के काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इनकी कविता में दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण हुआ है। इनकी कविता में दरबारों आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी की गई है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। देव ने अपनी कविता ब्रजभाषा में रची थी। इन्हें अनुप्रास अलंकार के प्रति विशेष मोह था। उन्होंने शब्द शक्तियों का अच्छा प्रयोग किया। छंद योजना में लय और तुक का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। इनकी कविता में तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया गया है। देव वास्तव में बहुत अच्छे भाषा शिल्पी थे।